नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ। मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ, सैलरी से पैसे कैसे बचाएं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को कमाना पड़ता ही पड़ता है, पर वो अपने पैसों को कैसे सेव करे, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखो, कोई भी इंसान है, जब तक उसको आदत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, जब तक वो करेगा ही नहीं। जैसे मान लो 8 घंटे की अपने को आदत पड़ी है नौकरी करने की, सुबह उठे, खाना बनाया, पैक किया, फिर ड्यूटी पे गए, फिर वापस आए। आप सोच के देखो कि आपने 10-5 साल आपको कमाते हो गए, आपने कितना सेविंग किया, कितना आपके पास है, फ्यूचर के लिए आपने क्या सेव किया अपने पास, आपके रिटायरमेंट के लिए आपने क्या सोच के रखा है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि आप देखो, जैसे ही हमें सैलरी मिली तो हमने पहले स्टार्ट क्या किया, भाई लाइट का बिल आ गया वो दे दिया, 2 नंबर पे जो अपने ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, मान लो आपने व्हीकल ले रखा है उसमें तेल डलवाना है, या अपना कोई पंचर हो गया या सर्विस करवानी है, ये सभी खर्चे हैं अपने पास में। मान लो फूड का खर्चा आपके पास है, जिस घर में आप रहते हो उसका घर का खर्चा है, स्कूल फीस है, ये तो कन्फर्म है आपको देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आप जितना मर्जी सोच लो, ये तो आपको निकालनी निकालनी पड़ेगी। इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक कॉलम और ऐड करना है। इसमें मैंने 5 बताए आपको, इसमें सबसे पहला कॉलम होगा कि अपने आप को पे करना है। आपको अपने आप को पे करने का मतलब, भाई हम जो कमा रहे हैं, मान लो आपने 10,000 कमाया, 15,000 कमाया, 20,000 कमाया, कितना भी कमाया आपने, मैं 15,000 का लेके चलता हूँ कि हमने 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है हमें, तो 15,000 रुपये में हम क्या सेव कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे ही पेमेंट मिली 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख तक अप्रोक्सीमेट सभी को पेमेंट मिल जाती है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने आप को पे करना है। अपने आप को पे करने का मतलब कि मैंने अभी किसी को कोई भी पैसा नहीं देना, सिर्फ अपने आप को पे करना है। जैसे मेरी पेमेंट गई, उसमें से मैं अपने लिए 5,000 रुपये निकाल के रख लूँ और उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ पर मेरे को कम से कम भी 15-20% का रिटर्न निकल के आए। मैं इसी बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि वो रिटर्न मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा। आपने क्या करना है, सिर्फ 5,000 रुपये जमा करने हैं। 5,000 रुपये कहाँ पे जमा करने हैं, आपने जाना है SBI बैंक के अंदर, आपने SBI बैंक में जाना है और वहाँ पे बैंक मैनेजर को बोलना है कि मेरे को SIP करना है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP करना है। और SIP कौन सी करनी है, वो बैंक मैनेजर के पास आप जाओ, आपको जो अच्छा लगे, या आपने पहले भी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा भाई कौन कौन सी SIP मार्केट के अंदर हैं। और SBI बैंक में आपने जाके बोलना बैंक मैनेजर को कि मेरे को SIP करना है और उसमें मेरे थोड़े थोड़े पेमेंट मेरे को लगानी है। आपने बोला मेरे को 1,000 रुपये की करनी है, वो 1,000 रुपये की बताएंगे आपको। आपने बोला 2,000 की करनी है, 2,000 रुपये, जितनी भी आप बोलोगे उतनी ही पेमेंट की आपको वो SIP समझाएंगे कि आपने इतनी इतनी पेमेंट। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको जमा नहीं करवा के आना, सिर्फ बैंक मैनेजर को बोलना है कि मेरे को 1,000 रुपये की करवानी है, वो आपको डेट फिक्स करके दे देंगे। मान लो आपने बोला कि मेरे को 10 तारीख को पैसे कटवाने हैं, तो 10 तारीख को आपके अपने आप अकाउंट में से पैसा कट के SBI में SIP में चले जाएंगे, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट 10 तारीख का स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने सिर्फ बोलना है बैंक मैनेजर को कि मेरे को SIP में पैसा लगाना है, जो भी आपकी बेस्ट SIP हो, जो भी आपको लगे। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, स्मॉल कैप फंड आज तक का रिटर्न देखें तो करीब करीब उसका 20 से 25% का रिटर्न आया हुआ है। आप जाके देख सकते हो, गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो 1,000 रुपये आप उसमें लगा सकते हो, 2,000 रुपये जितना मर्जी लगा सकते हो। मैं आपको थोड़ा 5,000 की डिटेल बताता हूँ कि 5,000 रुपये में हमारे 15 साल में कितने पैसे बन जाएंगे। मान लो आपने 5,000 रुपये मंथली बोला कि बैंक मैनेजर को कि मेरे 5,000 रुपये जमा कराने जी, और हम मान के चलते हैं 15% रिटर्न। मैंने आपको 25 बताया है, 20 बताया है, पर मैं आप यहाँ पे मान के चल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 15%। 15% कोई ज़्यादा नहीं होता, 15 साल के लिए आप कहीं भी जमा कराओ, PF है, RD है, या किसी में भी आप PPF में जमा कराओ, किसी में भी जाके आप जमा कराओ, RD में करवाया आपने, PF में करवाया, या जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें जमा, आप अगर रिटर्न देखेंगे तो 6% से लेके और 7% तक का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप देख सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो कि RD में कितना मिलेगा और FD में कितना मिलेगा और PPF में कितना मिलेगा, आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो। आपको गूगल बताएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% ही ब्याज मिलेगा आपको साल का,
मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा कराया पीपीएफ में, तो आपको मिलेगा 7,100 रुपये, 7,100 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, SIP में अगर आपने पैसा लगाया सिर्फ 5,000 रुपये, 15 साल के रिटर्न के अकॉर्डिंग हम मान के चले, 15% के रिटर्न के 15 साल में पैसा लगाया, लगाया कितना आपने, करीब करीब 9 लाख रुपये, और जो एस्टिमेट रिटर्न निकल गया वो 24 लाख रुपये। टोटल हम दोनों रकम अपनी जोड़ते हैं तो 33,84,315 रुपये आपने जमा कर पाई। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपने FD RD या PPF में पैसा लगाया तो आपको मिलेंगे 7.1% इंटरेस्ट, और यहाँ पे आ रहा है 15, आप देखोगे तो करीब करीब इससे डबल रकम निकल के आ रही है, और आपका पैसा भी डबल हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं आज 25 साल का हूँ या 30 साल का हो गया, और 15 साल बाद में मैं कितने साल का हो जाऊंगा, उस दिन मेरे को मकान चाहिए या अपने बच्चों की शादी करनी है, वो आप एक काम तो अपनी तरफ से पूरा पूरा कंफर्म है कि 5,000 रुपये जमा करके कर सकोगे। नेक्स्ट SIP के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद आपको।